अशोकनगर जिले में आई बाढ़ एवं उसके बाद राहत कार्यो की समीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर पधारे जिले के प्रभारी मंत्री प्रदम सिंह तोमर वापसी जाते समय अचानक चारौदा गांव पहुंचे यहां भी बाढ़ का कहर सिंध नदी के रूप में ने देखने को मिला था इस गांव के करीब 50 घर सिंध नदी के पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो गए प्रभारी मंत्री के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने रो रोकर अपनी व्यथा मंत्री को सुनाई है गांव के जगन्नाथ सिंह यादव ने बताया कि 10 मिनट के भीतर ही सिंध का पानी उनके गांव में घुस गया और उन्हें किसी भी तरह की मोहलत नहीं मिली इस दौरान कि अपने मकानों एवं सामग्री को बचा सके गांव की स्थिति को देखकर प्रभारी मंत्री भी भावुक हो गए और काफी देर तक लोगों के बीच में रहने के बाद कुछ न बोल पाए इस मौके पर उपस्थित विनीत गोयल को उन्होंने निर्देश दिया है कि पीड़ितों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए साथ ही उन्होंने उनको ढांढस बताते हुए कहा कि भाई परेशान ना हो साथ ही उन्होंने सभी तरह के प्रयासों का भी आश्वासन दिया है बाढ़ प्रभावित परिवारों को लेकर उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हर व्यक्ति की जरूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए कटिशंबद्ध है प्रभारी मंत्री ने स्कूल में बनाए गए राहत शिविर का भी जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा साथ ही साडोरा में बनाए गए राहत शिविर में भी लोगों को भेजे जाने का भी आग्रह किया गया है जिससे दोबारा बाढ़ आने पर इस तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े इसके अलावा पीड़ितों को 50 किलो मध्यान्न मुफ्त देने एवं अस्थायी टेंट एवं चादर की व्यवस्था भी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं साथ ही उन्होंने मौके से ही कलेक्टर अभय वर्मा से बात कर ग्राम चारौदा के लोगों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया है इसके अलावा इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास सुविधा दिए जाने की भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं